हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां पर अब काव्या एक और बड़ी चाल चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे फ्लॉप होती है और कैसे इस अपने जाल में फंसते हुए नजर आएगी काव्या, तो चलिए बताने हैं आपको इसकी पूरी खबर। दोस्तों यहाँ पर काव्या ये चाल चलेगी कि वनराज को भड़काएगी कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अब अनुपमा इसी घर में रहने वाली है। और तुम तो जानते ही हो कि बाहूजी और माँ ये सब लोग यही चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी यानी इस पर सिर्फ अनुपमा का हक हो, कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए और अनुपमा घर से चली जाए। जिसके बाद यहाँ पर वनराज के दिमाग में भी ये बात बैठने वाली है। लेकिन जो प्लानिंग फ्लॉप होगी वो ये कि वनराज के सामने आएगा काव्या का वो राज जो कि वनराज के होश उड़ाने वाला है। या दोस्तों यहाँ पर वनराज को कॉल आने वाला है उस साइको लवर का, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी कहानी पलटने वाली है। ये साइको लवर यहाँ पर काव्या की सारी पोल खोलने वाला है। यहाँ पर वो काव्या से पैसे मांगने की डिमांड भी करने वाला है और काव्या इस बात को छुपाते हुए भी नजर आएगी। जिसके बाद यहाँ पर वनराज कई बार ये पूछते हुए नजर आएगा कि आखिर कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा के हाथ बहुत बड़ा सबूत लग जाएगा जब यहाँ पर ये लड़का साइको लवर यहाँ पर काव्या से बात कर रहा था और काव्या की ये घबराहट अनुपमा को पता चल जाती है। जिसके बाद ये अनुपमा उस सच्चाई तक जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वजह है कि काव्या इतनी डरी हुई है और आखिर क्या है प्रॉब्लम। जिसके बाद ने अनुपमा के सामने वो सच्चाई आएगी जो उसके पैरों तले जमीन की सब जाएगी। तो यहाँ पर इस साइको लवर का ही वो कड़ी है जो कि काव्या को अब यहाँ पर उसकी प्लानिंग में ही फंसाते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा जब आएगा काव्या का ये सच अनुपमा और वनराज के सामने। जिसके बाद ने क्या होने वाला है काव्या का हाल और जिसके बाद ने क्या लेगा वनराज फैसला, बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट यहाँ में देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में। तो भाई आने वाले एपिसोड और भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे। कल आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी वनराज क्या फैसला ले सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब।